आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.1 जो कि एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स है उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये एक आर्चरी टारगेट है, मतलब जो तीरंदाजी करते हैं लोग, जिस पर उस तरह का बना हुआ है। और इसमें कितने सर्कल हैं? 1, 2, 3, 4, 5 सर्कल है। ये सर्कल है गोल्ड और ये जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिंग। तो ये जो रिंग है रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो गोल्ड वाला रिंग है, गोल्ड वाला जो सर्कल है ना, उसका डायमीटर दे दिया है 21 और बाकी जितना रिंग है सबका विड्थ दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें सबका एरिया बताना है क्या होगा, सबका सर्कल का नहीं, गोल्ड का, रेड कितना एरिया में है, ब्लू कितना एरिया में है, ब्लैक कितना एरिया में है और वाइट कितना एरिया में है। सबका रेडियस निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या करते हैं कि लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना? R1। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल कितना? R2। थर्ड सर्कल कितना मान ले रहे हैं? R3। रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल? R4। फिफ्थ सर्कल? R5। कितना सर्कल है? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से ये हो गया R1, ये रेडियस R2 और ये रेडियस हो गया R3 और ये रेडियस हो गया R4 और ये जो रेडियस हो गया R5। यहाँ सभी सर्कल का सेंटर एक ही है, सबका रेडियस हो गया। आप यहाँ पे रेडियस लिखिएगा, डैश मत डाल दीजिएगा, रेडियस रेडियस लिख दीजिएगा, ठीक है? सबका रेडियस मान लिए। तो अब क्वेश्चन में दे दिया है कि गोल्ड का डायमीटर था 21, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? R1 कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ होता है ना, तो डायमीटर बाई 2 डायरेक्ट बनाते हैं। डायमीटर कितना है? 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 10.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट गोल्ड का रेडियस निकल गया। अब सबका रेडियस निकाल लेते हैं बारी बारी से। तो R2 कितना हो जाएगा? R2 देखिए, R1 आप प्लस, या यहाँ भी समझ सकते हैं, R1 प्लस ये विड्थ होगा ना, ये वाला रेडियस देखिए इतना प्लस इतना, तो इतना निकल गया कितना? 10.5 और ये विड्थ कितना दिया है? 10.5। तो हो जाएगा R1 प्लस 10.5 सेंटीमीटर। तो R1 कितना है? 10.5 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, 10, 10, 20 और 21 सेंटीमीटर हो गया, 21 सेंटीमीटर। R3 कितना होगा? R3 तो R3 में देखिए, ये R2 यहाँ तक है, तो R2 में विड्थ, सबका विड्थ तो सेम ही है ना, 10.5। R2 में हम ये विड्थ जोड़ देंगे तो मेरा ये R3 निकल जाएगा। तो R2 प्लस विड्थ, R2 कितना आया? 21 और प्लस विड्थ कितना है? 10.5। तो हो जाएगा 21 और 10, 31.5 सेंटीमीटर। अब R4 निकालिए। R4 देखिए, R4 कहाँ गया? यहाँ पे है। तो R3 मेरा कहाँ तक था? यहाँ तक, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, यहाँ तक R3 है। तो R3 प्लस ये विड्थ जोड़ेंगे तो R4 निकल जाएगा। R3 प्लस विड्थ, चौड़ाई जो है, R3 कितना आया हमारा? 31.5 प्लस 10.5 सेंटीमीटर। तो 31 और 10, 41 और 1, 42 सेंटीमीटर। R5 भी निकाल ही लेते हैं। R5 कहाँ गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सर्कल, मतलब R4 यहाँ तक आया, यहाँ तक R4, फोर्थ सर्कल का रेडियस, आप प्लस ये विड्थ ऐड कर देंगे तो रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्कल निकल जाएगा ना, R4 प्लस 10.5। R4 कितना आया मेरा? 42 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 52.5 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, यहाँ अब मिटाना पड़ेगा। 10.5 सेंटीमीटर, R2 कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर, R3 कितना है? 31.5 सेंटीमीटर, R4 कितना है? 42 सेंटीमीटर और R5 कितना आया हमारा? 52.5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग एरिया फाइंड करना शुरू करते हैं। अभी हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ
गोल्ड रीजन, जो गोल्ड वाला क्षेत्र है उसका एरिया। तो यहाँ पे देखिए जो गोल्ड है वो एक सर्कल है, तो एरिया किस काम को फाइंड करना है, इस सर्कल का ना, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब गोल्ड का रेडियस कितना हम लोग माने थे, आर वन, तो आर वन कितना है 10.5, पाई आर वन का स्क्वायर हो जाएगा पाई इंटू 10.5 का होल स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, ये हो जाएगा 10.5 × 10.5 22/7 105/10 × 105/10 कट रहा है 15 बार में, और 2 5 जा 3 5 जा 2 से 11 बार में कितना हो गया 11 × 3 33 × 105 और बाई 10 यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा। अब जल्दी से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फाइव सिक्स फोर थ्री कितना आ गया 3465/10 मतलब 346.5। अब इसका यूनिट लिखेंगे, एरिया है तो यूनिट स्क्वायर में होगा, और यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट रीजन का निकल गया गोल्ड रीजन का, अब चार बचा रेड ब्लू ब्लैक और वाइट। अब हम लोग रेड वाला क्षेत्र निकालेंगे, रेड का रीजन का एरिया, एरिया ऑफ रेड रीजन। रेड का रीजन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा ये है अपना गोल्ड और ये है रेड, तो हमें निकालना है किसका, रेड का ना, ये रेड है और ये गोल्ड है, तो रेड वाला रीजन ये वाला है, पूरा मत समझ लीजिएगा कि पूरा रीजन रेड है, नहीं, रेड का रीजन सिर्फ ये जो रिंग है ना वही है उसका एरिया, ये तो गोल्ड है और ये रेड का रीजन हुआ, तो ये तो एक रिंग हो गया, और रिंग का एरिया आपको वीडियो में बना चुके हैं पहले ही, नहीं देखे हैं चलिए फिर भी बता देते हैं इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो एक काम करते हैं हम, ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका पूरा का एरिया निकाल देते हैं, पूरे का एरिया, और उसमें से अगर ये गोल्ड वाला जो रीजन है इसको हम माइनस कर दें, गोल्ड के रीजन को माइनस कर देते हैं, तो देखिए तो ये रेड का रीजन बच गया ना, तो रेड का रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ये सर्कल माइनस एरिया ऑफ ये सर्कल। अगर इसमें देखें तो एरिया ऑफ ये वाला सर्कल और इसका रेडियस कितना था, आर टू माने थे हम लोग, और इसका रेडियस कितना माने थे, आर वन। तो चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ ये वाला सर्कल, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर पाई, और रेडियस था आर टू स्क्वायर माइनस इसका रेडियस आर वन, तो पाई आर वन स्क्वायर। अब पाई कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर। तो अब ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया ना, जहाँ पे ए का काम कर रहा है आर टू और बी का काम कर रहा है आर वन, तो क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7, आर टू कितना है, आर टू मेरा आया था 21, आर वन कितना आया था 10.5, 21 − 10.5 ये कितना हो जाएगा 21 और 10 31.5, और ये 21 − 10 11 और 0.5 और माइनस हो रहा है मतलब 10.5। काटिए कुछ कट रहा है, ये तो कट गया। अब जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 22 × 1.5 कितना आ गया 33, और 31.5 में हम लोग 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 59 कितना आ गया 10.39 और एक यहाँ पे 0.5 और एरिया है, तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आपका रेड रीजन भी निकल गया, बस तीन बचा है, अब हम लोग ब्लू रीजन का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कैसे निकलेगा, ये हो गया अपना GOLD गोल्ड, ये हो गया अपना रेड, और ये हो गया ब्लू, और हमें इसका एरिया फाइंड करना है इसका ब्लू वाला का, और तीनों का सेंटर एक ही है, मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है। अब यहाँ पे देखिए ये था आर वन फर्स्ट रेडियस, ये सेकंड सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस था आर टू, और ये है थर्ड सर्कल का, मतलब इस सर्कल, इसको नीचे बना लेते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं, ये वाला सर्कल का रेडियस है
आर थ्री। अब इस ब्लू वाले रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, ये जो बड़ा सर्कल दिख रहा है ना, बड़ा सर्कल, इस पूरे बड़े सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं पहले। सबसे पहले पूरा सर्कल का, बड़ा सर्कल का एरिया निकाल लिए, पूरा एरिया निकाल लिए, और उसमें से ये वाला सर्कल को हम लोग काट कर हटा दिए। इस सर्कल का एरिया, ये जितना भी जगह छेंक रहा है, घेर रहा है, उसको काट के हटा दिए, तो ये ब्लू वाला एरिया बच जाएगा ना। कहने का मतलब ये सर्कल का एरिया माइनस ये सर्कल का एरिया कर देंगे, इतना पूरा माइनस कर देंगे ये वाला पूरा एरिया, तो ये रीजन निकल जाएगा, ब्लू रीजन। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये सर्कल का एरिया भी आप दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला क्या है कि डायरेक्ट इसका रेडियस हमें मालूम है R2, पाई R2 स्क्वायर करके निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि ये वाला सर्कल का एरिया प्लस रेड रीजन का एरिया भी निकाले हैं, रेड रीजन का एरिया करेंगे तब भी ये सर्कल का एरिया निकल जाएगा। चलिए दोनों तरीका से हम लोग ट्राई करेंगे। सबसे पहले पहला तरीका, ये सर्कल का एरिया माइनस डायरेक्ट ये सर्कल का एरिया लगाएंगे, तो इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, इसका रेडियस है R3 ना, तो हो जाएगा पाई R3 स्क्वायर माइनस इस सर्कल का एरिया, तो इसका सर्कल का रेडियस कितना R2, और सर्कल का एरिया आता है पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस R2 है, पाई रेडियस स्क्वायर, ठीक है, पाई कॉमन R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जहाँ ए का काम कर रहा है R3, बी का काम कर रहा है R2, फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पुट कर दीजिए वैल्यू, R3 कितना था 31.5, R2 21, 31.5 R2 21, 22/7, ये 112, 52.5 इंटू 21 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10 और 0.5, ये कट गया 1.5। अब जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 1.5 इंटू 22 33, और 52.5 को 33 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ गया 1732.5, और यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग ब्लू रीजन को ही दूसरे तरीके से निकालेंगे, इसको लिख देते हैं यहाँ पे सेकेंड मेथड। दूसरे तरीका में आपको क्या बताएं कि बड़ा वाला सर्कल में से घटाते तो वही सर्कल का एरिया है, बड़ा सर्कल के एरिया में से, बस इस सर्कल का एरिया निकालने का तरीका बदल देते हैं। पिछला बार क्या किए कि बड़ा वाला सर्कल का एरिया माइनस ये वाला सर्कल का एरिया, सेकेंड मेथड में भी वही करेंगे। अंतर कहाँ होगा, डिफरेंस कहाँ होगा कि फर्स्ट मेथड में हम लोग डायरेक्ट इसका रेडियस पुट करके एरिया निकाल लिए थे, लेकिन इस बार इसका एरिया अब प्लस रेड रीजन का एरिया, गोल्ड रीजन का एरिया प्लस रेड रीजन का एरिया करेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा ना इस सर्कल का, तब माइनस करेंगे। चलिए बनाते हैं, तो बड़ा सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस कितना है इसका R3 स्क्वायर माइनस, और ये सर्कल का एरिया माइनस करना है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन प्लस एरिया ऑफ रेड रीजन, वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7, R3 का वैल्यू कहाँ गया 31.5 का स्क्वायर है, तो टू बार मल्टीप्लाई होगा 31.5, और एरिया ऑफ गोल्ड रीजन हम लोग निकाल चुके थे 346.5, अब प्लस एरिया ऑफ रेड रीजन भी निकाल चुके थे 1039.5, ये कट जाएगा कितना बार में 4.5। अब जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 22 × 4.5 99 आ गया, और 31.5 × 99 5, 3, 8, 11 कितना आ गया 31185, और यहाँ पे एक डेसिमल इनटू, ये कितना आया 300, एक मिनट यहाँ पे माइनस छूट गया है, माइनस लगा लीजिएगा, इनटू नहीं होगा माइनस होगा, माइनस ये कितना आया 300, माइनस कर लेते हैं इसको 3, यहाँ पे माइनस करते हैं 3, 4 प्लस करते हैं पहले 1039.5 कितना हो जाएगा
13.86। अब माइनस कर लेंगे, 3118.5 में से 13.86 माइनस करना है, 1732.5। देखिए पिछला बार भी इतना ही आया था, इस बार भी इतना ही आ रहा है। चलिए अब हम लोग ब्लैक रीजन का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। उम्मीद है अब तक आप लोग समझ गए होंगे, तो अब यहीं से बता रहे हैं ब्लैक का निकालना है तो इस सर्कल का एरिया में से इस सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए जल्दी से करते हैं, इस सर्कल का रेडियस कितना है R4, तो पाई R4 स्क्वायर माइनस, और इस सर्कल का एरिया कितना, रेडियस कितना था R3, पाई R3 स्क्वायर। पाई कॉमन कर लेंगे, R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वैल्यू पुट करेंगे 22/7, R4 कितना था 42, R3 कितना 31.5, फिर से 42 माइनस 31.5, ये कितना हो जाएगा 213473.5, और ये कितना हो जाएगा 42 में से माइनस कर दीजिए 110.5। चलिए ये कट गया 1.5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आता है इंटू 73.5, तो 73.5 इंटू 33 कितना होगा, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब एरिया ऑफ ब्लैक रीजन निकालने का हम लोग सेकंड मेथड भी देख लेते हैं जल्दी से, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में क्या बोले थे, काम वही रहता है, इस सर्कल का एरिया माइनस इस सर्कल का एरिया, बस सर्कल का एरिया निकालने का तरीका हम लोग चेंज कर देते हैं। तो इस सर्कल का एरिया कितना, ब्लैक का निकाल रहे थे ना, तो इस सर्कल का एरिया में से माइनस करेंगे, इसका एरिया कितना, तो रेडियस इसका R4, पाई R4 स्क्वायर माइनस, अब इस सर्कल का एरिया माइनस करते हैं ना, तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये वाला सर्कल, या फिर ऐसे कर सकते हैं, इसको तो एक और तरीका मिल गया, तीन तरह से बना सकते हैं इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए। एक तो कर सकते हैं गोल्ड प्लस रेड रीजन प्लस ब्लू रीजन जो हम बनाएंगे अभी, और दूसरा तरह से आप कर सकते हैं कि ये सर्कल का एरिया प्लस ब्लू रीजन। चलिए कर देते हैं, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन प्लस एरिया ऑफ रेड रीजन प्लस एरिया ऑफ ब्लू रीजन। पाई का वैल्यू 22/7, R4 कितना था 42 स्क्वायर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस गोल्ड रीजन का एरिया अपना कितना गया था 346.5, प्लस रेड रीजन का एरिया आ गया था 139.5, और प्लस ब्लू रीजन का एरिया आ गया था इतना। ये कटेगा 6 से, कितना हो जाएगा 132 × 42, माइनस जल्दी से ऐड कर लेते हैं इसको, 346.5 1039.5 1732.5। कितना आ गया 3118.5। मल्टीप्लाई भी करना है, जल्दी से कर लेते हैं, कितना आ गया 6544 माइनस 3118.5, कितना आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड मेथड क्या बताया थे आपको कि इतना माइनस ये सर्कल का एरिया माइनस ये सर्कल का एरिया, लेकिन इस सर्कल का एरिया निकालने का तरीका थोड़ा अलग बताए थे। वो क्या था कि इस सर्कल का एरिया, अभी क्या किए हैं गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन, अब क्या करेंगे कि इस सर्कल का एरिया अब प्लस ब्लू रीजन, तब भी मेरा आंसर सेम आएगा। आप लोग बनाइएगा, और नहीं तो जब इतना बना दिए तो उसको भी हम बना देते हैं, अगर समझ गए तो थोड़ा स्किप करके सीधे वाइट रीजन का एरिया देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड मेथड, उसमें क्या था, एरिया ऑफ ये सर्कल ये वाला पाई, और इसका रेडियस R4 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ
ये सर्कल निकालना है, तो इसके लिए इस सर्कल का एरिया प्लस ब्लू वाला बोले ना, तो इस सर्कल का एरिया कितना, पाई इंटू आर टू स्क्वायर, पाई इंटू आर टू स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। चलिए 22/7, आर फोर कितना था 42, स्क्वायर है 2 बार मल्टीप्लाई, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर कितना है 21 है आर टू, तो आर टू का स्क्वायर 21 इंटू 21, और प्लस एरिया ब्लू रीजन निकाल दिए थे हम लोग 1732.5, 6 हो गया 3, ये कितना आ जाएगा 132 इंटू 42, 5544 माइनस ये कितना 66 इंटू 21, 1386 प्लस 1732.5, 5544 माइनस, अब इसको ऐड भी करना है, कितना ऐड करना है 1732.5, 5 हो गया 3118.5, अब माइनस भी करना है 3118.5, 5 हो जाएगा, 3 में 1 गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको तो ब्लैक रीजन को तो हम लोग तीन तरीका से निकाल दिए, अब देखेंगे वाइट रीजन का एरिया कैसे बनेगा। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वाइट कैसे निकलेगा, आप समझ सकते हैं कितना तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीका अपना देख लीजिएगा, और ऐसे तो हम बना ही दे रहे हैं, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप देख सकते हैं वीडियो में। अब बनाएंगे सबसे लास्ट रीजन का एरिया, एरिया ऑफ, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, एरिया ऑफ वाइट रीजन, इसका एरिया कैसे निकालिएगा। तो देखिए, तो इस सर्कल का एरिया पूरा सर्कल में से ये वाला सर्कल इतना माइनस कर लेंगे इतना, तो ये वाइट रीजन निकल जाएगा ना, तो इस सर्कल का एरिया निकाल देंगे, सबसे इजी मेथड यही वाला होता है आपका, पाई और इसका रेडियस कितना था आर फाइव, माइनस पाई और कौन सा ये वाला का आर फोर, आर फोर का स्क्वायर, इतना हो जाएगा आर फाइव स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 22/7, आर फाइव कितना है 52.5 प्लस आर फोर कितना है 42, 52.5 माइनस आर फोर 42 ऐड करिए 94.5 हो जाएगा इंटू 94.5, और 42 माइनस करिएगा तो 10.5, फिर से 15.5 बार में कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे 33 आता है इंटू 33 सेंटीमीटर, लास्ट में यूनिट लिख देंगे हम लोग। चलिए 94.5 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, कितना आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको बनाने का और भी जितना तरीका है वाइट रीजन का एरिया निकालने का उसको हम लिख देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट करिएगा बना या नहीं बना। देखिए काम तो वही करना है, इस सर्कल माइनस ये सर्कल, बस सर्कल का एरिया निकालने का तरीका बदलना है हमको। तो इस सर्कल का एरिया निकालना है तो क्या कर सकते हैं, इस सर्कल का एरिया अब प्लस ब्लैक रीजन होगा ना, तो इस सर्कल का रेडियस कितना है, रेडियस आर थ्री है, ऐसे भी आर वन आर टू आर थ्री, ठीक है, तो पाई आर थ्री स्क्वायर और प्लस यहाँ तक का निकल गया प्लस ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तीसरा तरीका देखते हैं हम लोग, थर्ड मेथड क्या है, तो माइनस तो हमको इसी में से करना है, बड़ा वाला सर्कल में से ही, बस इस सर्कल का एरिया का तरीका चेंज हो रहा है ना, तो अब हम कर सकते हैं ये सर्कल का एरिया निकालते हैं और ब्लू रीजन प्लस ब्लैक रीजन करेंगे, तो इसका रेडियस है आर टू, आर टू है ना, पाई आर टू स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ
कहाँ तक निकाले हम लोग, यहाँ तक ब्लू रीजन प्लस एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। एक और तरीका से हम लोग एरिया ऑफ वाइट रीजन निकाल सकते हैं, वो क्या है, पाई आर फाइव स्क्वायर बड़ा वाला में से माइनस करेंगे। अब ये सर्कल का एरिया प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, तो ये सर्कल तो गोल्ड है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं पाई आर वन स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन प्लस एरिया ऑफ रेड रीजन प्लस एरिया ऑफ ब्लू रीजन और प्लस एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। ये तीन मेथड और एक्स्ट्रा है, इन तीनों से भी आप बना सकते हैं। तो ये थोड़ा लेंदी मेथड हो जा रहा है, अभी जो सबसे पहला मेथड बताया था वो इजी है, ये बस आपके नॉलेज के लिए है, इसको प्रयास जरूर करिएगा, इससे आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये फिगर देख के आप लोग कन्फ्यूजन हो कि कहाँ पे आर वन आर टू क्या है, तो सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, फर्स्ट सर्कल रेडियस आर वन, सेकेंड सर्कल आर टू, थर्ड है तो आर थ्री, फोर्थ है तो आर फोर और फिफ्थ है तो आर फाइव। अगर कहीं पे भी बीच में आपको कन्फ्यूजन हुआ है तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।